हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो होम रेमेडी लेके आई हूँ वो बालों के ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा कारगर है और इसे बनाना जो है 2 मिनट में आप इसको बना सकते हैं और आप इसके से जो है अपने 6 महीने तक अपने बालों को जो है काला कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। और पहले मैंने चाय का पानी उबाल लिया है। मैंने चाय का पानी उबाला था, वो मैंने जो है छान के मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें हमने डालना है साथ के, इसमें जो है हमें 1 चम्मच के करीब हमें जो है कॉफ़ी पाउडर डालना है, जो हमारे बालों को जो है बहुत अच्छा कलर दे। ये मैंने इसके अंदर डालना है, देखिए ये वाला जो है 1 चम्मच आप ले सकते हैं, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। और साथ के साथ जो है गुड़हल का पाउडर है वो आपको इसके अंदर ऐड करना है। गुड़हल का पाउडर जो होता है बालों को बहुत अच्छा शाइनिंग लाता है, बहुत अच्छा कलर लाता है, आप ये इसको लगा सकते हैं। और इसको जो है आप अमेजोन में या कहीं पर भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, इसे हिबिस्किस पाउडर भी कहते हैं। ये मैंने लिया था, ये ऑनलाइन जो है मैंने अमेजोन से लिया था, ये प्योर एंड नेचुरल है। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ के साथ जो है हमें इसमें जो है आंवला पाउडर ऐड करना है, क्योंकि विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छा होता है और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और ये हमारे बालों को जो है काला बना के रखता है। ये आप मेरे बाल जैसे छोटे हैं तो मैं अपने बालों के अकॉर्डिंग 2 चम्मच, अगर आपके बाल बड़े हैं तो 5 से 6 चम्मच आप जो है आंवला पाउडर ले सकते हैं। आपको इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है, उसके बाद आपको जो है इसके अंदर मेहंदी पाउडर को ऐड करना है। गैस ऑफ कर दीजिए, उसके बाद आप इसके अंदर जो है मेहंदी पाउडर जो ऐड कर लीजिए। देखिए आप अभी इसका कलर कितना प्यारा आ चुका है। और ये जो बाल, इसको अगर आप बालों पे लगाएंगे तो 6 महीने तक आपको ना कोई केमिकल लगाने की जरूरत है, ना कोई डाई लगाने की जरूरत है। इससे जो है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉफ़ी पाउडर है, विटामिन सी, जो आंवला पाउडर है और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर जो मैंने ऐड कर दी है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बाल काले रखेगा। अब इसमें जो है मैं साथ के साथ जो है मेहंदी पाउडर ऐड कर दूंगी। थोड़े से जो है अभी ये थोड़ा सा गर्म है तो इसी में ही हमें ऐड करना होगा। आप इसको इंस्टेंट भी लगा सकते हैं या इसको 7 से 8 घंटे जो है ओवरनाइट आप इसको रख सकते हैं। इसके अंदर मैं मेहंदी ऐड कर रही हूँ। अब आप इसको अच्छे से इसको जो है मिक्स कर लीजिए और जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसको लगा सकते हैं 1 से 2 घंटे बाद। ये इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके अंदर जो है बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल ऐड मत कर दीजिए, थोड़ा सा वार्म वाटर करके इसमें आप ऐड कर दीजिए। मैं इसमें जो है चाय का पानी है मैं उसमें वो ऐड करूंगी। और इसको अच्छे से ऐड कर लीजिए और जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसको लगा सकते हैं। हो सके तो इसको 7 से 8 घंटे आप इसको ओवरनाइट रखिए और ये बहुत ही अच्छा कलर देगा। ये हमारी जो है आंवला मेहंदी तैयार है बिल्कुल। और इसके अंदर आपको ये जो मैंने आपको 4-5 इंग्रेडिएंट्स बताए ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, तभी आपके बाल जो है बिल्कुल काले दिखेंगे, चमकदार होंगे और आपको जो है बालों से बिल्कुल जो रूखापन है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये मेरी मेहंदी जो है तैयार हो चुकी है और इसे मैंने जो है 3 से 4 घंटे भी रखा है। देखिए अभी से ये ब्लैक होना स्टार्ट हो गई है, साइड से भी ये ब्लैक होना स्टार्ट हो गई है। और इसको जो है अगर मैं 7 से 8 घंटे और रखती हूँ तो ये ब्लैकिश और होने लग जाएगी और आपके बाल जो बिल्कुल काले हो जाएंगे सफ़ेद से, आप देख सकते हैं। और देखिए मैं आपको बताने वाली हूँ, मेरी ये मेहंदी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसका कलर देखेंगे आप धीरे धीरे जो है डार्क होने लग गया है, साइड से ये बिल्कुल ब्लैक होना स्टार्ट हो गया। अगर आप इसे जो है ओवरनाइट आप इसको रखते हैं तो ये 7 से 8 घंटे के बाद जो है बहुत अच्छा कलर देना स्टार्ट कर देगी और यकीन है कि यकीनन आपके बाल जो है बिल्कुल ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो बहुत ज़्यादा घरेलू है और बहुत ही ज़्यादा कारगर करेंगे। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी